हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखेंगे और कुछ भी कमेंट करने से पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ना वीडियो देखने के बाद। और गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एग्ज़ाम है सामने तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इतना रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्स के बारे में समझ में आएगा। चाहे किसी भी कोर्स का एग्ज़ाम हो, आपका बीएससी का हो, बीकॉम का हो, बीएलएलबी हो, मास्टर्स का हो, बीए का हो, कोई सा भी कोर्स, एलेवंथ क्लास को, जिसका भी आपका एग्जाम है, आप जरूर से जरूर देखिएगा इस वीडियो को। मैं बहुत सोच समझ के ये वीडियो बनाया हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों का मैंने रिव्यू अभी पता चला, मुझे रिव्यू कैसे पता चलता है, मैसेजेस से, है ना। मैसेजेस आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि ऐसा है वैसा है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा मेरा, है ना। तो और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सोचा कि अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, है ना, प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, कन्फ्यूज़न है, तो क्यों है, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत हेल्प होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो को देखने के बाद अच्छा महसूस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप पूरा देखेंगे। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, ठीक है। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाइस देखिए, बच्चे तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन किए हैं इस बार। काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैं बात किया और मैसेजेस के ज़रिए ही बात करता हूँ, ज़्यादातर कॉल पे तो नहीं हो पाती है ना। तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, बहुत बढ़िया लेवल है, चाहे किसी भी कोर्स का हो, बीकॉम का हो, बीएससी का हो, बीएलएलबी का हो, बीए का हो, अच्छे से पढ़े, लेकिन वो घबरा बहुत रहे हैं ना। तो घबरा क्यों रहे, क्योंकि कन्फ्यूज़न में है कि यार ये आंसर वहाँ पर गलत मिल गया, ये चीज़ वैसा है, ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, मैं जितना पढ़ाऊँ ये सब आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ आया है, किसी बार लास्ट ईयर का पेपर्स भी देख रहे हैं और नया कुछ देख लेते हैं, वो मेरे से सॉल्व नहीं होता, इस तरह के बहुत सारे डाउट्स। तो गाइज़, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस, अपने आप, अपना जो कुछ है ना आपने पढ़ा है उस पर बिलीव कीजिए, है ना, कि नहीं ये जो मैंने पढ़ा जहाँ तक मेरे से हो सकता था मैंने उतना किया है और आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ अपने आप पे हमेशा सोचते रहिए कि मैं जितना पढ़ा था उतना मैं, जितना होना था मेरे से उतना मैं कर चुका हूँ, अब इतना मैं से ही आएगा, है ना। मैंने जिससे पढ़ा, हो सकता है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं कर लूँगा उस क्वेश्चन को, ये बिलीव कीजिए। मानते हैं नहीं होता है, तो गाइस जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम मुझे बताने वाला कोई नहीं था ये सारी चीज़ें ऐसे खोल खोल करके सब कुछ, है ना, पूरा डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ ना। मैं हिम्मत दे रहा हूँ कि नहीं, मैं शुरू से दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके हेल्प करने के लिए कोई ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि घबराना बिल्कुल नहीं, आपका सिलेक्शन होगा। जिसको भी कन्फ्यूज़न है ना, देखिए जिसके पास नॉलेज होता है उसी को कन्फ्यूज़न होता है। कोई गलत कोई चीज़ है वो कैसे पकड़ता है, जैसे कोई वीडियो का क्वेश्चन मेरा ही चैनल पे अपलोड हो जाता है तो आप लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, कैसे पकड़े, इसका मतलब आपने पढ़ा उस चीज़ को, फिर जाके उसको सर्च करते हैं, वहाँ देखते हैं, मिलाते हैं, दो तीन आंसर मिल गया तो कन्फ्यूज़न में, इसका मतलब आपको नॉलेज है। एग्ज़ाम में आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आपको उस तरह का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, मैं गारंटी है इस बात की। चाहे किसी भी कोर्स का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को जानते हैं तो वहाँ श्योरिटी आपका रहेगा कि यही आंसर है। और मैं हर वीडियो में, लगभग जितने भी मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस, देखिएगा सबसे पहले आपका कौन सा ऑप्शन पे कॉन्फिडेंस जा रहा है कि नहीं ऑप्शन बी सही है, तो उसी को टिक करना आज, ना कि उलझ करके कन्फ्यूज़न में जाके डी मत कर देना, गलत हो जाएगा ये चीज़ पर। आप आके रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को कि मैंने बी सोचा था लेकिन मुझे बी लगता था और बी था भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज कर देता है उसका पैटर्न, है ना, पैटर्न चेंज होने के कारण जो है वो कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन में शामिल हो जाता है, तो उसमें श्योरिटी नहीं। लेकिन हालांकि वो आप पढ़े होते हैं, उसमें श्योरिटी नहीं होती कि भाई बी है कि सी है, तो वहाँ क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको जो लगे ना कि आंसर बी आंसर है वो कीजिएगा, है ना, वो कीजिएगा, हो जाएगा। तो ये तो रही एग्ज़ाम का जो नेचर है, उस पर मैंने बताया कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे करना, थोड़ा सा मैंने बता दी। अब देखिए, अभी आप क्या करेंगे, अभी आप ज़्यादा उलझिए मत। सबसे पहली चीज़, आपने जितना पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, उस पर बिलीव कीजिए कि जो जहाँ तक मेरे से हो पाया मैंने किया, ठीक है, उतना सोचना है। और उसको मल्टीपल टाइम रिविज़न कीजिए कि ऐसा कहीं ना हो कि उससे कोई क्वेश्चन पूछे और आप ना बना पाए, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए गाइस, नहीं तो ये आपका 100% मिस्टेक हो जाएगा सिलेक्शन नहीं होने का। समझ रहे बात, जो आपने अभी तक पढ़ा है, मुझे तो लगता है कि बहुत पढ़े हैं आपने, है ना, 200-300-400-500 क्वेश्चन जीके के पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन वाइज अगर हम देखें तो इंडो इस्लामिक के पढ़ लिए होंगे, जिसका बीएलएलबी का है वो लॉ रीजनिंग, ये सब काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। तो उसको रिविज़न कीजिए, ऐसा रिविज़न कि वो क्वेश्चन जो पूछा जाए तो सेकंड में, विद इन सेकंड आपको आंसर पता होना चाहिए, उस तरह से रिविज़न। और कुछ नया पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को घुमा रहा है ऐसे करके, तो आप उस पर सोचें वो एक मिनट में, क्यों, क्योंकि आपके पास 120 क्वेश्चन होगा,
सॉरी 100 क्वेश्चन होगा और 120 मिनट टाइम मिलेगा आपको, एक मिनट, 100 क्वेश्चन होगा आपके पास और 120, सिर्फ 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, इसमें से 5 से 10 मिनट आपका इधर उधर में चला जाता है ना, पेपर सही करने में, नाम उम्र लिखने में, रोल नंबर वगैरह जो भी लिखना होता है, अटेंडेंस वगैरह में चले जाता है 10 मिनट लगभग आपके पास। अगर माने अगर तो एक मिनट एक क्वेश्चन के लिए बचा हुआ है, तो ऐसा रिविज़न कीजिए कि आपके पढ़ा हुआ में से अगर 50 क्वेश्चन आ रहा है, 50 क्वेश्चन, तो वो सारे 50 क्वेश्चन 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए, 10 मिनट्स में 50 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 10 मिनट, 5 मिनट्स तो कम हो गया, है ना, 10 मिनट्स, 10 टू 15 मिनट्स में आपके वो 50 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ब्लैक सर्किल ऐसे जो घेरेंगे, गोला डार्क करेंगे जो, समझ रहे बात, उस तरह से रिविज़न कीजिए। रिविज़न के साथ साथ हर दिन, हर स्टडी, हर स्लोट पे, हर स्लोट पे लास्ट ईयर के पेपर्स को ज़रूर देखिएगा। लास्ट ईयर का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर का पेपर से आपको कुछ नया मिलेगा तो वो समझ में आएगा आपको, है ना, कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, वो टॉपिक मैं अभी कवर नहीं किया हूँ, तो अभी आपके पास टाइम है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कुछ, अभी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। कोई वीडियो आया स्टैटिक जीके का, जैसे वीडियोज अपलोड हो रहा चैनल पे, मैम पढ़ाती है वो, और बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए, उसको कुछ नहीं करना, आप देखते जाइए, वो उसमें से ज़्यादातर आपका पढ़ा हुआ होगा, तो रिवीजन करते जाइए, कुछ गलत है तो आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपको फुल ये है कि आप कमेंट कीजिए उस पर, है ना, बच्चे डिस्कस करते हैं कमेंट में भी कि नहीं यही सही है, ये गलत है। तो आप स्टैटिक जीके का कोई अगर वीडियो, वैसे तो मैम बोल रही थी कि शायद आप अब नहीं होगी क्योंकि नहीं देंगे, मतलब एग्ज़ाम सामने है, तो मैंने कहा कि देखो अभी अपलोड करो, रिविज़न का टाइम है बच्चों का, तो आप रिविज़न के लिए देख सकते हैं, या फिर नहीं लग रहा कि नहीं मुझे नहीं देखना चाहिए, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, तो फिर स्किप कर दीजिए। मैं ये भी कभी नहीं कहा कि ज़बरदस्ती देखिए आप, बिल्कुल नहीं, स्किप कर दीजिए, अगर आपने जितना पढ़ा वो सफिशियंट लग रहा है। कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि आप कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कीजिए, है ना, अपने आप में, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं हूँ यार, मैंने इतना सपोर्ट किया है, इतना हिम्मत दिया है, इतना, अगर आप फिर भी घबरा रहे, इसका मतलब क्या होता है कि इतने सारे जो मैंने वीडियोस बनाए आपके लिए, इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना, नहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल समझे, आप बहुत समझदार है, बहुत सारे बच्चे जो है कम घबरा रहे हैं, और गाइज आपका कहीं ना कहीं घबराना भी थोड़ा सा जायज़ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि घबराहट उसी को होती है जिसने पढ़ रखा होता है, जिस आज तक वो बंदा को टेंशन नहीं हो जो बार बार फेल होता है, जो जिसको सिलेक्शन वगैरह से लेना देना नहीं है, 4-5 कोर्स का भरा है, किसी में वेटिंग में आके एडमिशन हो ही जाएगा, उसको कभी आज तक घबराहट नहीं होती, वो हमेशा हंसते रहता है, कुछ नहीं उसको ये सबसे मतलब भी नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई से ज़्यादा, है ना, इधर उधर की चीज़ें, फिक्र उसी को है जिसको चाहिए, है ना, जिसको ज़रूरत है, जिसके पास ऑप्शंस कम है, यार मुझे जाना ही है, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही है, फिक्र उसको है। अगर आपको फिक्र है तो आप अच्छे स्टूडेंट के कैटेगरी में हैं, है ना, मैं यहाँ पे किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ कि वो ऐसे कर रहा है वैसा वैसा नहीं है, ऐसे ये रियलिटी है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको फिक्र है जाहिर सी, इसका मतलब है आप पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, तब आप घबरा रहे हैं, तो मैं घबराहट को कम करने आया हूँ। अगर आप घबराएंगे ना गाइज, तो 50% चांस है इस बात की कि जो जो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा वो आप गलत कर देंगे, क्योंकि आप घबरा रहे हैं, हो सकता है कि छूट जाए। कुछ बच्चे रीजनिंग को लेकर इतना फंस जाते हैं एग्ज़ाम में कि उसी में उसका लगभग 50 मिनट्स चला जाता है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो और टाइम बचा कहाँ उसके पास। तो मैं हमेशा ये क्वेश्चन पेपर मैंने बताया था कि कितना क्वेश्चंस करना है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि जिसमें 100% आप श्योर होंगे, कि 100% जिसमें श्योरिटी होगी आपकी, सबसे पहले वो क्वेश्चन को करना है, समझ रहे बात, जिसमें 100, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीके हो, जिसमें 100% विद इन सेकेंड जिसका आंसर हो रहा है पहले वो करना है, फिर इससे कम में जिसका हो रहा है वो करना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, है ना, फिर बाद में 1 घंटा आपके पास बचेगा, वो सारे क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह माइंड लगा लगा करके सॉल्व करेंगे, है ना, फर्स्ट टाइम दिमाग लगाने नहीं बैठ जाएंगे, फर्स्ट टाइम ये देखेंगे कि डायरेक्टली मेरे से कौन सा सॉल्व हो रहा है, विद इन सेकेंड किसका हम आंसर बता पा रहे हैं, तब आपको जो है एक सेलेक्ट होने का, मतलब सिलेक्शन सिलेक्टेड लिस्ट में आने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, क्योंकि आप पेटर से आप पेपर जो है सही ढंग से किए हैं, समझ रहे हैं बात। और दूसरी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चंस को ज़्यादा नहीं छोड़ना है, ठीक है, मैंने बता दिया, वो क्वेश्चंस वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप वीडियो का लिस्ट में जाके स्क्रॉल कीजिएगा, वो दिख जाएगा आपको, वहाँ पे ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा से मैंने बताया उस वीडियो को, डिटेल में समझाया। ओके गाइज, तो फाइनली मेरा जो मैसेज है, अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, बस एक चीज़ कीजिए, घबराइए मत,
टेंशन कम लेना है कि एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है, बिल्कुल कुछ नहीं, सिंपल रहिए जैसे पहले थे, आज से 1 महीना पहले जैसे चिल थे, एकदम मस्त रह रहे थे, उस तरह से रहिए, बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्ज़ाम। क्यों, मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस बार बहुत अच्छा किया है। मॉक टेस्ट जितना दिए उसका देखिए कितना हो रहा है। ओके गाइज, उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ अभी तक आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में, ठीक है। दो तीन काम हम आपको दे रहे हैं, सबसे पहला काम रिवीजन, दूसरा काम लास्ट ईयर के पेपर्स देखना, तीसरा काम कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हल्का सा 1 से 2 आवर्स देना है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इसको कवर कर लिए जो आपने नहीं पढ़ा। जैसे हर एक स्टेट्स का अपना अपना कल्चर होता है ना, उसके कल्चरल एक्टिविटी कौन सा है, कल्चरल डांस कौन सा है ना, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है ना, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा है ना, बाउंड्रीज वगैरह देख लीजिएगा, कौन सा बाउंड्री किसको सेपरेट करता है कंट्री वाइज, ये सब देख लीजिएगा, और कैपिटल्स वगैरह स्टेट का तो पता ही आपको इंडिया का, बाकी अपने नाइबरिंग कंट्रीज जितने हैं एशिया के खास करके जितना कंट्री है इसका कैपिटल्स वगैरह और करेंसी देख लीजिएगा एक झलक है ना, पूछा जाता है, एब्रिविएशंस देख लीजिएगा, बुक एंड ऑथर्स देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। ओके गाइस, तो ये आपके लिए मैसेज था मेरा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आप इसी हिसाब से काम करेंगे, फिर देखेंगे आप एग्ज़ाम दे के हंस हंस के निकलेंगे है ना। और एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाना है, चाहे जिस जब भी आपका एग्ज़ाम है, खुश होकर जाना कि नहीं या अल्लाह मैंने अब तक जितना किया है बिल्कुल अपने दम पे किया है, अपना मेहनत से किया है, अब जितना है अब आपकी मर्ज़ी आगे, और मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक आया हूँ, इंशाल्लाह मेरा पेपर भी अच्छा जाएगा और मैं अच्छा करूँगा है ना, इतना उम्मीद रखना अपने आप। अगर हिम्मत हार गए एग्ज़ाम हॉल से पहले ही कि यार कन्फ्यूज़न है नहीं होगा, तो वही होता है, नेचर भी वही चाहता है कि ये बंदा तो खुद चाह रहा है कि मेरा नहीं हो, किसी भी कीमत में नहीं बोलना यार, जो कुछ नहीं पढ़ा हो तो वो भी चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, आप पढ़े हुए इतना बोलेंगे कि होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं, तो नहीं होता है, इसलिए बोलना हर टाइम ये होना ही है, इतना पढ़ रखा है होगा ये सिलेक्शन, समझ रहे हैं बात। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, जो कुछ समझ में आया जो क्वायरी है वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने का, ज़्यादातर मैं रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।